नमस्कार दोस्तों, मैं दिगेश सोनी स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल दिगेशशाला पे। आज के लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 13 होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे गुडविल का एक नया मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं यार, बताना क्या है, एक्चुअली सॉरी बोलना है मुझे आप लोगों से। ठीक है, सॉरी क्यों बोल रहे हैं भाई? सॉरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तकरीबन 2 महीने से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं करी है, तो आप लोग टेंशन में आ गए थे कि सर कहाँ गायब हो गए, कहाँ चलेगा, वीडियो अपलोड होंगी कि नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं था यार, 2 महीने थोड़ा सा बिजी शेड्यूल हो गया था, और ऐसा नहीं था कि मैंने वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करी। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, बट यार वो अंदर से वो वीडियो वैसे बन नहीं पा रही थी जैसे मैं बनाना चाह रहा था, तो मुझे वो वीडियो देख के मजा नहीं आ रहा था एक्चुअली, इसलिए मैं वीडियो अपलोड कर ही नहीं रहा था। बट अब मैं फ्री टाइम हो गया है, तो अब आराम से वीडियो अपलोड होंगी, आप टेंशन ना लीजिएगा, और सारा सारा सिलेबस टाइम पे खत्म करवाऊंगा यार, मत टेंशन लो। ठीक है, बस आप साथ बने रहो, और अगेन सॉरी है ना, अब ऐसा नहीं होगा, 2 महीने के लिए गायब नहीं होगा मैं। ठीक है, तो यार स्टार्ट करते हैं। अब तो देखो भाई, कैपिटलाइजेशन मेथड समझाने के मेरे पास दो तरीके हैं। एक तो बाकी लोगों की तरह आपको मैं सिंपल एक फॉर्मूला बता दूं, भाई ये दो फॉर्मूले हैं, ये दो फॉर्मूला याद रख लो, यहाँ ऐसे करना, वहां वैसे वैल्यू रखना और आंसर निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको कंसेप्ट ही सिखा दूं सीधा सीधा। ठीक है कि भैया ये इसका एक्चुअली कंसेप्ट है, इस तरीके से ये फॉर्मूला बना हुआ है, तो वो आप कंसेप्ट सीख जाओगे तो एक बार में सारा का सारा काम हो जाएगा, और आपको अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी, वो भी लॉजिकल तरीके से। अच्छे से आपको एक सिचुएशन एक्सप्लेन होगी कि हाँ भाई ये फॉर्मूला इस तरीके से बना, कैपिटलाइजेशन मेथड ये होता है। तो मुझे ये मेथड सबसे अच्छा तरीका लगता है समझाने का, कंसेप्चुअली। कंसेप्चुअल सीख जाओगे तो फॉर्मूला तो अपने आप देख ही लोगे कि आपको सामने बनता हुआ दिखेगा, जैसे सुपर 30 में उन बच्चों को दिखता था ना सामने मेथड फॉर्मूला बनता हुआ कि हाँ इस तरीके से जेट चल रहा है, इस तरीके से पंप निकल रहा है, बस इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला बनते हुए देखेगा। तो आओ देखते हैं यार, शुरू करते हैं। देखो मैं यहाँ आपको एक सिचुएशन देता हूँ, जरा समझने की कोशिश करना है सिचुएशन को, गौर फरमाना और सिचुएशन को देखना। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि भाई मैंने आप लोगों को कितने रुपए दिए? मैंने आप लोगों को 1 लाख रुपए दिए बिजनेस चलाने के लिए, मैंने आप लोगों को 1 लाख रुपए दिए, और मुझे पता है कि जो मार्केट का इस समय रेट है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मैं आम भाषा में बोलूं तो मतलब कि यार इतना पैसा इतना रिटर्न तो आराम से मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल लूं 10%, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति A to Z, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस 1 लाख रुपए से स्टार्ट करे, इन्वेस्टमेंट करे 1 लाख रुपए का, तो उसको 10% का मुनाफा तो हो ही जाएगा, 10% का प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। मतलब यहाँ पर 1 लाख का 10% कितना होगा? 10,000, 10,000। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कहानी में बता रहा हूँ, नॉर्मल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि इतना रिटर्न तो सबको मिलेगा ही मिलेगा, इतना प्रॉफिट तो सबको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 1 लाख रुपए दिए ये सोच के कि जो NRR है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वो 10% है इस समय मार्केट का, तो आप लोग आराम से 10,000 तो कमा ही लोगे। अब बिजनेस चालू हुआ, मैंने आपको पैसा दिया, सारा का सारा आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन करा, और थोड़े दिन बाद प्रॉफिट लेके मेरे पास आए, और प्रॉफिट कितना लेकर आ गए आप भाई? आप प्रॉफिट लेकर आ गए 15,000 रुपए। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, मैंने मेरे हिसाब से कितना प्रॉफिट होना चाहिए था? मेरे हिसाब से 10,000 होना चाहिए था, बट यार आप लोग तो जीनियस निकले, आप लोग तो 15,000 कमा के ले आए भाई साहब, 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा कर ले आए यहाँ पे, देख रहे हो आप लोग, यहाँ 5,000 रुपये एक्स्ट्रा कमा के ले आए। ठीक है, तो मैंने कहा यार आप लोग तो जीनियस हो, गजब हो, कैसे कर दिया ऐसा? मैंने कहा यार ये तो आपने बहुत सही काम किया। फिर मैंने एक चीज सोची कि यार ये तो अगर कोई आम व्यक्ति जाता तो 10,000 कमाता, 1 लाख रुपए लगाता, उस पर 10,000 रुपए कमाता, लेकिन इन लोगों ने कितने कमा लिए? 15,000 रुपए कमा लिए। तो भाई 15,000 कमाने के लिए मैं ऐसे सोच रहा हूँ बस, कि अगर मुझे कोई आम व्यक्ति को 15,000 रुपए कमाने होते तो उसे कितना कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ता, उसे कितना कैपिटल लगाना पड़ता, मैं ये सोच रहा हूँ बस। ठीक है, कोई आम आदमी को 10,000 कमाने होते तो कितना लगाना पड़ता? 1 लाख रुपए। तो किसी आम व्यक्ति को अगर 15,000 रुपए कमाने होते तो उसे कितना लगाना पड़ता? 1,50,000। ठीक है, सिंपल सा, सामने सामने सब कुछ दिख रहा है, ये मैं करके भी दिखाऊंगा मैंने कैसे निकाला, अभी लॉजिकली कॉमन सेंस में समझा रहा हूँ कि अगर किसी आम व्यक्ति को 10,000 रुपए कमाने हैं तो उसे कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी? 1 लाख रुपए की। अब उसी आम व्यक्ति को अगर 15,000 कमाने हैं तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 1.5 लाख रुपए की। ये कैसे निकाला मैंने? तो भाई देखो, 15,000, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%। तो 15,000 अगर किसी चीज का 10 है तो उसका 100 कितना होगा? 15,000 किसी चीज का 10% है तो उसका 100% कितना होगा? यहाँ पर ये चीज कट गई, तो ये मेरे पास कितना बचा? 1,50,000। ये चीज ध्यान से देखना, ये जो मैंने करा कुछ खास नहीं करा, ये भाई ये जो 7th 8th क्लास की जो रेशो का चैप्टर होता है ना, वो चीज यूज करी है मैंने यहाँ, रेशो का एक सिंपल सा फॉर्मूला कि भाई ये जो 15,000 रुपए थे ये 1.5 लाख के 10% थे, ये 15,000 रुपए 1.5 लाख के 10% थे। तो अब मेरे पास ये चीज तो गायब थी, ये चीज तो अवेलेबल नहीं थी, मुझे पास ये और ये अवेलेबल था, इन दोनों के दम से मुझे ये निकालना था। तो ये क्या था? ये भाई 100% था किसी चीज का, और ये चीज 10% थी।
यही चीज थी ना, ये 100% था, ये 10% था, 100% का जब मैं 10% निकाला तो इतना निकला था, बस इसी को मैं रिवर्स कर रहा हूँ कि 15,000 किसी चीज का 10% है तो उसका 100% कितना होगा, तो उसका 100% होगा 1,50,000 रुपए। समझ में आया? तो अगर किसी व्यक्ति को 15,000 रुपए कमाने हैं प्रॉफिट की तरह प्रॉफिट, तो उसे कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, तो उसे 1,50,000 एम्प्लॉय करना पड़ेगा। बात समझ में आई आप लोग को यहाँ पे? तो अब जरा आगे देखो, एक्चुअली कंडीशन, अब जो कंडीशन थी वो देखते हैं हम। जो कंडीशन थी वो इस तरीके से थी कि भाई मैंने तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए दिए थे, आपने क्या करा था उस 1,00,000 के दम पे 15,000 रुपए कमा लिए थे। मतलब कोई आम व्यक्ति को, अगर आम व्यक्ति को कितना लगता, 1,50,000 रुपए लगते, लेकिन वही काम आपने कितने में कर दिया, 1,00,000 में कर दिया। मतलब यहाँ आपने क्या करा, जो 50,000 रुपीज है वो बचा लिए। ठीक है, तो ये 50,000 क्या था आपका, ये 50,000 ही आपकी गुडविल थी कि आपको 50,000 रुपए की जरूरत नहीं पड़ी ये 15,000 रुपए कमाने के लिए। आपने उस 1,00,000 के दम पे ही, यहाँ पर 1,00,000 प्लस 50,000 आपकी गुडविल, ये आपकी गुडविल की वैल्यू थी, ये दोनों चीज मिला के आपने क्या करा, 15,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कमा लिया। तो यहाँ पर ये जो 50,000 रुपए थे यही क्या थी, आपकी गुडविल की वैल्यू, ये आपकी गुडविल की वैल्यू है कि 50,000 की आप वैल्यू रखते हो। बात समझ में आई किस तरीके से निकाला मैंने? ठीक है, तो यहाँ कुछ खास नहीं किया, बस मैंने ये जो दोनों को कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच का डिफरेंस था बस वही निकाला। वो जो डिफरेंस रहता है वही क्या है, आपकी गुडविल की वैल्यू है। थोड़ा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक बार और थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके से देख लो इसी को आप। तो देखो इसी को थोड़ा फिर से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, 1,00,000 रुपीज कोई आम व्यक्ति, नॉर्मल जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो कितना है, 10%। कोई आम व्यक्ति 1,00,000 रुपए लगाता तो 10% के हिसाब से 10,000 रुपीज मिल जाते, लेकिन आपने ये प्रॉफिट, ठीक है, 10,000 रुपीज प्रॉफिट मिल जाते हैं, लेकिन आपने कितने कमा लिए, आपने 15,000 रुपए कमा लिए। तो 15,000 रुपए कमाने के लिए कितना कैपिटल लगाना पड़ता, तो मुझे लगाना पड़ता 1,50,000। वो मैंने कैसे निकाला, इस तरीके से निकाला, 15,000 अगर किसी चीज का 10 है तो उसका 100 कितना होगा, तो वो होगा 1,50,000। ठीक है, ये यहाँ मैंने ये फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर ये कैपिटल कितना एम्प्लॉय करना पड़ेगा, अगर किसी आम व्यक्ति को 15,000 कमाने तो 1,50,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, लेकिन हमने एक्चुअली में कितने लगाए थे, सिर्फ 1,00,000 रुपए। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 50,000 का डिफरेंस है। तो यही 50,000 क्या है, यही 50,000 आपकी गुडविल है। बात समझ में आई? ठीक है, ये था सिंपल सा मेथड। और ये यहाँ पर ये जो मैंने मेथड लगाया, ये जो फॉर्मूला लगाया यहाँ पर रेशो का, सिंपल सा सिंपल ये जो रेशो का फॉर्मूला लगाया, इसी को बोलते हैं कैपिटल, जो प्रॉफिट है उसे कैपिटलाइज करना। ये जो आप प्रॉफिट कमा कर लाए उसे मैंने क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। कैपिटलाइज मतलब कि इस प्रॉफिट से मैंने कैपिटल निकाला कि ये प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती यार, कितना बड़ा बड़ा नाम क्यों दे देते हैं, काम तो छोटा सा था, 15,000 की चीज का 10% है तो उसका 100% कितना होगा, बस इतनी सी बात थी। अब इसी को इन लोगों ने बड़ा सा नाम दे दिया, कैपिटलाइज करना प्रॉफिट को, जबकि कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और मेन टारगेट हमारा फाइनली क्या था, मेन टारगेट हमारा था ये 50,000 रुपीज फाइंड करना। समझ में आया? तो ये मेथड कहलाता है, अगर आप जो ये लंबा चौड़ा मेथड जो है कि दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के फिर आप कैलकुलेट कर रहे हो, इसे कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, अब इसी को मैं एक तरीके से और करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, कैसे करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो ये कितने थे, 10,000 रुपीज, और ये कितना था, 15,000। मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा दिया, आपने 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा दिया। बात समझ में आ रही है? ये कितना कैश प्रॉफिट कमाया आपने, 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो भाई ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था 5,000 रुपए का, ये क्या था, आपका सुपर प्रॉफिट। भाई अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से जितना भी ज्यादा प्रॉफिट कमा कर ले आओ, वो प्रॉफिट क्या कहलाता है, सुपर प्रॉफिट कहलाता है। अगर एक चीज सोचो, अगर मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दूं, तो भाई यहाँ पर ये जो 50,000 रुपए मैंने निकाले वो आखिर था क्या, मेरा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड और जो कैपिटल लगना चाहिए था उनके बीच का डिफरेंस ही तो था। मुझे सिर्फ 50,000 तो फाइंड करने थे, तो क्यों ना मैं 5,000 को ही कैपिटलाइज कर दूं। कैपिटलाइज मतलब कि अगर ये 5,000 किसी चीज का 10 है तो उसका 100 कितना होगा, तो यहां मैं अगर काटने की कोशिश करूं तो कितना आ रहा है, 50,000। तो ये 50,000 देखो डायरेक्ट गुडविल नहीं निकलाई, ये तो निकालना था मुझे। बात समझ आई कि नहीं आई? तो दो तरीके थे, या तो आप पूरा का पूरा ऐसा मेथड यूज करो और फाइनली दोनों को माइनस करके फिर 50,000 निकालो, या फिर क्या करो डायरेक्ट यहां से ये जो इनका बीच का सुपर प्रॉफिट आया था, इस सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज मतलब कोई बड़ी बात नहीं होती है भाई, ये किसी चीज का 10 है तो उसका 100 कितना होगा, बस यही बात होती है कैपिटलाइज करना। तो डायरेक्ट इसको मैं कैपिटलाइज कर दूं तो भी मेरा 50,000 रह जाएगा।
बात समझ में आ रही है? तो ये दो मेथड आप कह सकते हो, पहला मेथड हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट और दूसरा मेथड हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, दोनों का लक्ष्य एक ही है, ये 50,000 को फाइंड आउट करना। तो मेरे ख्याल से आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, मैं आपको फॉर्मूले के थ्रू लेके नहीं गया हूँ, मैं डायरेक्ट आपको लॉजिकली समझाने की मैंने कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इसके बाद मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि फॉर्मूला किस तरीके से ये क्वेश्चन हम करते हैं और इससे फॉर्मूला आपको बता दूंगा। ठीक है, तो एक आपको सिस्टमेटिक तरीका भी मिल जाएगा किस तरीके से किया जाता है। तो देखो, सबसे पहले तो भाई हम जो नॉर्मल तरीका है अपना लॉजिकल उससे करेंगे, फिर आपको एक मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा दूंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन क्या देके रखा है भाई, कैपिटलाइजेशन मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड वही लंबा चौड़ा मेथड, उससे मुझे इसका गुडविल पता करनी है। तो टोटल कैपिटल कितना था फर्म का, 16 लाख, मतलब कि मैंने आपको कितने रुपए दिए, 16 लाख रुपए दिए। ठीक है, मैंने क्या सोचा था कि कितना कमा के ले आओगे, 10% कमा कर ले आओगे, ये मैंने सोचा था। लेकिन एक्चुअली कितना कमा कर ले आए आप लोग, 2 लाख रुपए कमा कर ले आए। तो देखो, उसको वैसे ही अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ 16 लाख रुपीज, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, इस हिसाब से कितना आएगा, 1,60,000। ठीक है, 16 लाख का 10%, 1,60,000। ठीक है, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते थे, लेकिन आप एक्चुअली कितना लेकर आ गए, 2 लाख रुपए। ठीक है, 10% के हिसाब से। तो अगर किसी आम व्यक्ति को 2 लाख रुपए कमाने हैं तो उसको कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा, तो इसको हम फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ 2 लाख रुपीज, अगर किसी चीज का 10% है तो उसका 100 कितना होगा, तो उसका 100 होगा 20 लाख रुपीज। ठीक है, ये 20 लाख रुपीज, तो यहाँ कैपिटल कितना लगेगा, 20 लाख रुपीज। ठीक, तो यहाँ पे देखो, एक आम व्यक्ति के और आप में कितने का फर्क आया भाई, आपने 16 लाख रुपए में ही 2 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, किसी आम व्यक्ति को कितने लगते, 20 लाख रुपए लगते, मतलब कितने का आपने बचा लिया, आपने 4 लाख रुपीज बचा लिए। और यही 4 लाख क्या है, आपकी गुडविल की कीमत। तो ये देखो, यही 4 लाख आपकी गुडविल की कीमत आ गई। ठीक है, तो ये मैंने किस मेथड से आपको बताया, कैपिटलाइजेशन मेथड से। इसी को आप चाहो तो सुपर प्रॉफिट से भी कर सकते थे। सुपर प्रॉफिट से कैसे करते भाई, सुपर प्रॉफिट से ऐसे करते कि यहाँ इनके बीच का मैं वो देख लेता कि सुपर प्रॉफिट कितना हो रहा है। भाई आम व्यक्ति कितना प्रॉफिट कमा पाता, 1,60,000, लेकिन आपने कितना कमा लिया, आपने कमा लिया 2 लाख, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 40,000 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब ये सुपर प्रॉफिट को मैं कैपिटलाइज कर देता हूँ। कैपिटलाइज मतलब कि वही सिंपल, ये 40,000 अगर किसी चीज का 10% है तो उसका 100% कितना होगा, तो उसका 100% कितना होगा, 4 लाख रुपीज। ये दूसरे मेथड से भी करवा दिया मैंने आप लोगों को, समझ में आया कि नहीं आया? तो ज्यादा पचड़े में नहीं पड़ना, बिल्कुल सिंपल तरीके से रखना है, इस तरीके से रखोगे तो आराम से आंसर आएगा। ठीक है, अब इसी को मैं आपको थोड़ा सा जो आपका कह सकते हो कि भाई नॉर्मल मेथड, जो आपका सिस्टमेटिक तरीका है उससे करके दिखा देता हूँ। सिस्टमेटिक तरीके में आप कैसे लिखोगे, वो इस तरीके से लिखोगे, आप गुडविल का फॉर्मूला लगाओगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये फॉर्मूला देख के टेंशन मत लेना, पता नहीं क्यों इतना बड़ा चढ़ा के लिखते हैं सिंपल सी बात को। माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, आप इस तरीके से पहले फॉर्मूला लिखोगे। अब ये क्या लिख दिया मैंने, यहाँ कुछ नहीं लिखा भाई, एक्चुअल जो कैपिटल था आपका, यहाँ पे देखो मैंने कुछ भी खास नहीं किया। अगर थोड़ा पीछे देखो इसको, यहाँ पे ये देखो, ये हमारा क्या था भाई, ये हमारा एक्चुअल कैपिटल था, जो हमने एक्चुअल कैपिटल लगाया था वो एक्चुअल कैपिटल, और ये वो कैपिटल था जिसकी हमें जरूरत पड़ती उतना कमाने के लिए। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस, मतलब ये वो वैल्यू है जिससे कोई भी आदमी इतना पैसा कमा सकता था। तो हमने क्या करा था, इस 150 में से इस 1 लाख को ही माइनस किया था ना। तो यहाँ हम देखो, ये चीज है, ये है 1,50,000 अगर वैसे देखा जाए पिछले एग्जाम्पल से, और ये 1 लाख, सिर्फ ये लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, ये वो पैसा है जो किसी आम व्यक्ति को लगेगा, इतना कैपिटल किसी आम व्यक्ति को लगेगा, ठीक है, उतना प्रॉफिट कमाने के लिए, और यहाँ हमें जो एक्चुअल जो भी कमाया है वो। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, जनरली ये तो आपको देके रखा होगा, ये नहीं देके रखा होगा, तो ये आप किस तरीके से निकालोगे, ये आपको निकालने के लिए तरीका अलग अलग मेथड आ जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए फॉर्मूला और। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, ये किस तरीके से निकालोगे भाई, एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल या फिर आप बोल सकते हो एवरेज प्रॉफिट, जो भी आपको गिवन हो, डिवाइड बाय एनआरआर इनटू 100। यही करके दिखाया था अभी पीछे भी मैंने आपको, किस तरीके से करके दिखाया था, अगर आप पीछे ध्यान से देखें, देखो हम लोगों ने यहाँ पे यही करा था,
ये 15,000 किसी चीज का 10% है तो उसका 100 कितना होगा, तो यही था यहाँ पे, सॉरी यही, ये 15,000 ये किसी चीज का 10% है, एनआरआर 10% था तो उसका 100 कितना होगा, यही करा था। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला हो गया, इसे वो कहते हैं कैपिटलाइज करना। बस ये दो फॉर्मूले हैं आप लोगों के, ठीक है। और इसी को अगर आप सुपर प्रॉफिट से करके देखना चाहोगे तो सुपर प्रॉफिट में कुछ भी नहीं है, आप बस यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। मैं आपको फिर से लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली पहले इसको ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ मैं आप लोग को, है ना। तो इस तरीके से आपने पहले ये दो फॉर्मूला लिखा, दो फॉर्मूला लिखने के बाद आप सबसे पहले आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा वही गुडविल की वैल्यू। गुडविल कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल। अब यहाँ पर एक्चुअल कैपिटल तो देके रखा हुआ था आपको कितना, 16 लाख रुपीज, तो यहाँ 16 लाख रुपीज लिख दिया मैंने, 16 लाख। अब ये मुझे दे, ये मुझे अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ मुझे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालना था, तो यहाँ मैंने लिख दिया वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट निकाला कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने के लिए, वो कैसे निकलेगा भाई, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100। यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट मुझे कितना हुआ था, 2 लाख रुपीज का हुआ था, तो ये 2 लाख रुपीज डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो ये कितना निकल गया था मेरा, 20 लाख, ठीक है। 20 लाख यहाँ से निकल गया था, तो सी यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कितनी आ गई मेरी, 20 लाख। तो यहाँ इनके बीच का डिफरेंस निकाला तो वो कितना आ गया, 4 लाख। तो मेरी गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 लाख, ये मेरा आंसर, ठीक है। ये आप जो है सिस्टमेटिक तरीका हो गया आप लोगों का किसी चीज को सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है तो मैंने मुंह से बोलते भी जा रहा हूँ कि फुल फॉर्म क्या है, तो आपने ऐसा पूरा लिखना, ठीक है। आप ये शॉर्ट फॉर्म मत लिखना, यहाँ तो मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब इसी को दूसरे तरीके से देखें, अगर सुपर प्रॉफिट से करना हो तो कैसे करेंगे, तो गुडविल सुपर प्रॉफिट से निकालना हो तो कुछ नहीं करना, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100। अब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैसे निकालोगे भाई, यहाँ सुपर प्रॉफिट तो गिवन ही नहीं था, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ था हमारा, 2 लाख रुपीज का, ठीक है। यहाँ से नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई, ये 16 लाख, यहाँ भी इसका भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू जो भी आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो कितना लगा था, 16 लाख इंटू 10% कितना आया था, 1,60,000, ठीक है। तो ये 1,60,000, तो ये सुपर प्रॉफिट कितना आ गया था आपका, 40,000, ठीक है। अब इस 40,000 को यहाँ पे रख दोगे सुपर प्रॉफिट में, ठीक है, ये आगे लग देता हूँ मैं, तो 40,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 4 लाख रुपीज। ये 4 लाख यहाँ से भी आ गया आपका सुपर प्रॉफिट से भी, गुडविल निकल आया, ठीक है, सुपर प्रॉफिट से भी निकल आया और कैपिटलाइजेशन मेथड से भी निकल आया, दोनों से निकल आया, ठीक है। तो ये देखा जाए तो इस तरीके से, अभी देखो यहाँ पे ये तीन तीन फॉर्मूले थे, मैंने आपको एक पूरे चार्ट में करके दिखा दिया था, लेकिन आप वो चार्ट वहां पे बना के तो आ नहीं सकते हो, वो लॉजिकली अच्छा है, बाकी अगर पेपर में सॉल्व करना है तो इस तरीके से करके आ जाना। हाँ, कहीं भटकने लगो भूलने लगो तो वो मेथड याद रख लेना, कंसेप्चुअल मेथड जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या एक बार में पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप सॉल्व कर सकते हो। आगे देखते हैं क्या बोल के रखा है भाई, एक फर्म जो है वो 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट कमा रही है, तो ये इसका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, जो इसने एक्चुअल प्रॉफिट कमाया ये वो हो गया, ठीक है। मतलब आप इतना कमा कर ले आए, जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है उसका कितना है, 10% है, ठीक है भाई, 10% है। तो यहाँ पर मैं उस चार्ट बनाकर दिखाता हूँ आपको, पहले नॉर्मल जो चार्ट हम बनाते हैं वो बना के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं देखा जाए तो मुझे भी कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है वो मुझे पता नहीं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता चल गया है वो कितना है, 10% का, और मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है, एक्चुअल प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ मैंने 5 लाख रुपीज का कमा लिया है। तो देखा जाए तो मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता हूँ कि मैंने कैपिटल निकाला लगाया कितना होगा। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटीज एज ऑन द डेट ऑफ गुडविल आर 55 लाख्स एंड 14 लाख्स। कुछ नहीं बोल रहा है यहाँ पर, ये बोल रहा है कि भैया जो बाहर का असेट है 55 लाख्स के, और जो आपका गुडविल और जो आपकी लाइबिलिटीज है वो है 14 लाख की रुपीज की, तो अगर असेट में से लाइबिलिटी माइनस करोगे तो कैपिटल निकल आएगा, इतनी सी बात बोल रहा है। तो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन मेथड दोनों से आपको निकाल के दिखाना है, ठीक है।
तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। तो देखो भाई यहाँ पर मैं इसको पहले रब करता हूँ, फिर हमारा पूरा प्रॉपर तरीके से करके देखते हैं इसे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर देखो हुआ क्या भाई, एक्चुअली आप लोगों ने 5 लाख रुपए कमा के ले आए, ठीक है, ये 5 लाख रुपीज आप लोग कमा कर ले आए, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% का है, तो ये 5 लाख रुपए कमाने के लिए किसी आम व्यक्ति को कितना पैसा लगेगा, कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा? तो 5 लाख डिवाइड बाय 10 × 100 मतलब कितना लग जाएगा उसे, 50 लाख रुपीज लग जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 50 लाख रुपीज, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब आगे देखो ये वाला जो एक्चुअल कैपिटल था वो मुझे देके नहीं रखा है, ठीक है। ये तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस की इतना कमाने के लिए कितना लगेगा, बाकी एक्चुअल मुझे देके नहीं रखा था, तो एक्चुअल मैं यहाँ से निकाल लूंगा। भाई असेट कितने हैं, 55 लैक्स के, लाइबिलिटी कितनी है, 14 लैक्स की। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, 55 में से 14 माइनस कर देता हूँ, तो ये कितना बचेगा मेरे पास, 41। तो ये 41 मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक्चुअली जो मेरा कैपिटल लगा हुआ है, ठीक है। अभी ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, गुडविल का एक्सक्लूड करना, आउटसाइड लाइबिलिटी, ये वाला, ये सिंपल सी बात है, कुछ खास नहीं है। ये सिर्फ असेट है इतना ध्यान रखना, और ये लाइबिलिटी है, असेट में से लाइबिलिटी माइनस होती है तो कैपिटल निकलता है। तो ये मेरा एक्चुअल कैपिटल कितना था, 41 लाख का। 41 लाख 10% के हिसाब से कितना कमा कर देगा मुझे, 4 लाख 10 थाउजेंड, ठीक है। तो ये सब कुछ आ गया वापस से मेरे पास, ये मेरा एक्चुअल कैपिटल, ये मेरा कैपिटलाइज वैल्यू। तो आप भाई कैपिटलाइजेशन मेथड से करना है तो कैसे करोगे, तो आप भाई यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दो, कितना निकल रहा है, 9 लाख रुपीज निकल रहा है, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, गुडविल आ गया 9 लाख रुपीज का, ठीक है। ये हो गया कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड क्यों, क्योंकि भाई कैपिटल के बीच कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मेथड क्या था बोला उसने, सुपर प्रॉफिट मेथड से बोला था, वो कैसे निकालोगे भाई, ये 4 लाख 10 थाउजेंड और ये 5 लाख, ये आपका नॉर्मल जो प्रॉफिट आप कमा सकते थे, नॉर्मल प्रॉफिट, और ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट। तो आपने कितना ज्यादा कमा लिया, 90,000 ज्यादा कमा लिया, अलग ही दिख रहा है भाई, ये 4 लाख 10 थाउजेंड है और ये 5 लाख है, तो 90,000 आपने ज्यादा कमा लिया। तो ये 90,000 किसी चीज का कितना है, 10% है, तो ये 90,000 किसी चीज का अगर 10% है तो उसका 100% कितना होगा, तो उसका 100% कितना होगा, ऑब्वियसली बात है 9 लाख रुपीज होगा। ये देखो इससे भी 9 लाख रुपीज निकल आया, तो दोनों केसेस में कितना आंसर आया, 9 लाख रुपीज का। समझ में आया आप लोगों को? अब इसी को मैं आपको चाहो तो जो आपका सिस्टमेटिक तरीका है उससे करके दिखा दे रहा हूँ, मतलब इसको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे भाई, यहाँ पर वही गुडविल की फॉर्मूला, क्योंकि पहले हम कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड से कर रहे हैं, तो गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल का क्या फॉर्मूला होता है भाई, गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस एक्चुअल कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ दोनों ही चीज गायब थी भाई, ना कैपिटलाइज वैल्यू थी ना एक्चुअल कैपिटल था, दोनों की दोनों चीजें नहीं थी, दोनों निकालना पड़ती। सबसे पहले तो मैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालता हूँ, यहाँ लिख देते हैं वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकाली जा सकती है, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाया है, एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR इनटू 100, ठीक है। अभी इसके पहले मैंने आपको लॉजिकली सॉल्व करके दिखाया था, अभी आपको मैं आपके जो आप पेपर में सॉल्व करके आओगे उसके लिए ये सब मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट कितना था आपका, 5 लाख रुपीज का डिवाइड बाय 10 × 100 कितना आ जाएगा आपका, 50 लाख रुपीज। तो ये आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल आया 50 लाख रुपीज। तो यहाँ लिख देते हैं 50 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप वर्किंग नोट नंबर 1 से आया ये चीज, माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्चुअल कैपिटल भी नहीं दिया था, वो भी मुझे यहाँ से निकालना पड़ेगा। एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालते हैं, तो कैपिटल निकालने का तरीका असेट माइनस लाइबिलिटी। असेट कितने थे मेरे पास, 55 लाख के, लाइबिलिटी 14 लाख की, तो एक्चुअल कैपिटल कितना आ गया मेरा, मैंने माइनस किया था तो 5 में से हो गया 41 लाख रुपीज का, ठीक है। ये एक्चुअल कैपिटल आ गया, तो यहाँ पर आ गया 41 लाख, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2 से आया, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया 9 लाख रुपीज, यही आपका गुडविल की वैल्यू है, ठीक है। तो ये आपको मैंने प्रॉपर तरीके से करके भी दिखा दिया। अब इसी को मैं आपको, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका अभी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब यही मैं आपको ये कैपिटलाइजेशन मेथड से हो गया, अब आपको मैं
सुपर प्रॉफिट मेथड से करके दिखा दे रहा हूं। तो मेथड नंबर टू, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यहां सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे पता चलेगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर इन 200, ठीक है। तो यहां सुपर प्रॉफिट मुझे दिया नहीं था, तो सुपर प्रॉफिट मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो वर्किंग नोट बना देते हैं हम लोग। वर्किंग नोट नंबर वन, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो यहां पर जो भी एक्चुअल प्रॉफिट कमाया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमाया भाई, 5 लाख रुपीज कमाया। नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे देके नहीं रखा हुआ था, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा हमें। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकल सकता है, कैपिटल जो भी आपका लगा है इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी कैपिटल मैंने थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किया था, आपने देखा होगा 55 में से 14 माइनस किया था तो 41 आ गया था। तो 41 लाख इंटू 10%, ठीक है। तो ये लाख की जगह एक काम करता हूँ, मैं नंबर ही लिख देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन भी समझ में आ जाए। 41 10 अपॉन 100, ये जीरो से ये जीरो कटा, ये यहाँ से ये कट गया, तो ये 4 लाख 10,000, 4 लाख 10,000 आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 लाख, इसको ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये हो गया 5 लाख माइनस 4 लाख 10,000, कितना आ जाएगा 90,000, 90,000 आ गया आपका सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे रख देते हैं सुपर प्रॉफिट को, तो 90,000 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, ये हो जाएगा आपका 9 लाख रुपीज, ठीक है। तो ये भी आपकी आ गई गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आई होप आपको इससे भी समझ में आ चुका होगा, और जो मेरा कंसेप्चुअल मेथड है उससे भी समझ में आ रहा होगा। मैं आपको दोनों चीज से करवाता जा रहा हूँ ताकि आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये चीजें भी आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताना। अभी इसके बाद इसका एक क्वेश्चन और है, जिसमें आपको जो लास्ट 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट से निकाल के दिखाऊंगा मैं, ठीक है। इसलिए वीडियो बहुत लंबा चला जाता है इसमें, इसलिए उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा उस क्वेश्चन को मैं। तो वो नेक्स्ट कभी आपको मैं अपलोड कर दूंगा, नेक्स्ट का अलग से एक वीडियो बना के उस क्वेश्चन को, ठीक है। जिसमें 5 साल की प्रॉफिट देकर रखा होगा उससे निकालना होगा, मैं करके दिखा दूंगा आप लोग को इसी जस्ट बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। बाकी ये लेक्चर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, और जो मेथड मैंने सिखाने की कोशिश करी है अगर आप लोग को समझ में आया है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाँ ये समझ में आया, और अगर नहीं आया हो तो वैसा बता दीजिए ताकि मैं दोबारा इस वीडियो को बना सकूं, ठीक है। ज्यादा लोग देख लें उससे पहले ही मैं इस वीडियो को दोबारा बना दूंगा, अगर आप लोग को लग रहा है कि नहीं आया था समझ में तो बता देना, ठीक है, मैं इसको दोबारा कोशिश करूंगा बनाने की। बाकी अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, और ये खैर अब जो वीडियो है वो आती रहेंगी, टेंशन ना लेना। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।